हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पवन चौधरी और इस लेक्चर में हम बात करेंगे रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में जो रॉक शेल्टर्स या जो महत्वपूर्ण शैलाश्रय हैं, उन शैलाश्रयों के बारे में। बेसिकली शैलाश्रय होता क्या है, जब इंसान गुफाओं के अंदर रहता था या केव्स के अंदर जब इंसान रहता, तो उस समय जैसे जनरली हम अपने घरों में रहते हैं, वहाँ पे दीवार पे पेंटिंग्स वगैरह बनाते हैं या इस प्रकार से कोई सीनरी वगैरह दीवार के ऊपर लगाते हैं, तो उसी प्रकार से इंसान के पास ये सब सुविधाएं तो उस समय थी नहीं। वो अपने मनोरंजन के लिए या अपनी इन्फॉर्मेशन जो है उसको कलेक्ट करने के लिए दीवारों के ऊपर कई सारी पेंटिंग्स वगैरह जो है, जिनको रॉक शेल्टर या जो रॉक्स के अंदर जब रहता था, तो वहाँ पे कई सारे जो रॉक शेल्टर्स के अंदर वहाँ पे पेंटिंग है या आपके जो उनकी चित्रकारी है, वो कई अलग अलग प्रकार की चित्रकारियां करता था। और उन चित्रकारियों को अलग अलग समय पर सर्च किया गया और उसके द्वारा उस समय के इंसान की जो गतिविधियां हैं, उनकी एक्टिविटीज वगैरह हैं, उनको वहां पर आपको देखा गया। तो मध्य प्रदेश में कई सारे शैलाश्रय या कई सारी रॉक पेंटिंग्स हैं, उनको इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं। उसके बाद उसके पहले अनअकैडमी पर मेरे दो इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं। एक एमपीपीएससी मेन्स पेपर टू का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर मैं पूरा मेन्स का पेपर टू का आपका सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। दूसरा डिटेल कोर्स ऑन एमपीपीएससी मेन्स पेपर वन पार्ट भी चल रहा है, जिसके अंदर मैं ज्योग्राफी वाले जो आपके टॉपिक है, मतलब पूरा पार्ट भी, यूनिट नंबर वन से लेकर यूनिट नंबर फाइव तक पूरा ज्योग्राफी वाला टॉपिक मैं आपको इसके अंदर कंप्लीट कराऊंगा। इसके अंदर अभी वन यूनिट नंबर वन है, रिसेंटली दो लेक्चर पहले स्टार्ट हुआ है, इसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए आप एक साल का सब्सक्रिप्शन जो है 8,800 रुपए का है, और इसके लिए आप मेरा कोड पवन लाइव कोड का यूज कर सकते हैं। इफ यू आर यूजिंग दिस कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन द प्लस कोर्सेज। एक साल का कोर्स 7,920 रुपए में आपको मिल जाएगा। फर्दर अगर आप रोज अनअकैडमी पर लेक्चर्स देखते हैं और उसके द्वारा आपको कुछ क्रेडिट पॉइंट है, तो यू विल गेट सम क्रेडिट पॉइंट। इन क्रेडिट पॉइंट का उपयोग करके भी 10% फर्दर डिस्काउंट आप अपने प्लस कोर्सेज के ऊपर ले सकते हैं। उसके अलावा कई सारे बैच कोर्सेज और दूसरे कोर्सेज हैं अनअकैडमी में है, और उसके लिए आप जाकर मेरी प्रोफाइल जो सबके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दी है, वहां पर जाके आप मेरी प्रोफाइल पर जाके उसको विजिट कर सकते हैं। तो कोड यूज करना मत भूलिएगा, पवन लाइव। चलिए एक एक करके शैलाश्रयों के बारे में बात करते हैं, रॉक शेल्टर्स के बारे में बात करते हैं। इनको बेसिकली मैंने बहुत ही कंसाइज फॉर्म में बनाने की कोशिश की है, ताकि सिर्फ नाम आपको याद रहे। ये बेसिकली ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक जो है मैं प्रीलिम्स के पर्पस से बना रहा हूँ, और वैसे मेंस में भी कई बार ये टॉपिक काम आएगा, लेकिन मेंस के अंदर थोड़ा सा इन चीजों को मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। तो जिलेवार हम डिवाइड करते हैं, मध्य प्रदेश के तकरीबन 10 से 12 जिले हैं जिनके अंदर इस प्रकार के रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बैतूल जिला है, जहां पर एक धुनीफाक नाम की एक जगह है, और धुनी काफ के अंदर एक रॉक शेल्टर मिलता है। उसके अंदर अलग अलग जैसे डांसिंग मैन है, फैमिली का सीन है, फिर कई सारे आपके जियोमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह हैं, अलग अलग प्रकार के पैटर्न आपको बने हैं, कहीं स्क्वायर है, कहीं रेक्टेंगल है, ठीक है, तो अलग अलग प्रकार के शेप्स बने हैं। उसके बाद दूसरी जो साइड है, इट्स कॉल्ड द धुधुकाव, जो वहां पर भी अलग अलग प्रकार के प्लांट जो हैं या पौधे वगैरह हैं, उनकी पेंटिंग्स इसके अंदर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड द ढूढ़ा आम, और ढूढ़ा आम जो है ये भी एक, इसके अंदर भी कई सारी पेंटिंग्स वगैरह हैं अलग अलग पेड़ की, उस समय जो प्लांट्स वगैरह हुआ करते थे, जिनमें आज के भी कई सारे मॉडर्न जो पेड़ हैं उनकी पेंटिंग आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगली साइट है बैतूल के अंदर, इट्स कॉल्ड द साकली, और यहां पर भी एनिमल, ह्यूमन और कई सारे फ्लावर्स वगैरह हैं, पौधे वगैरह हैं, इनकी इमेजेस यहां पर आपको, इनकी पेंटिंग यहां पर मिल जाती है। पांचवा यहां पर है, इट्स कॉल्ड द रामपुर भातोड़ी, सॉरी रामपुर भातड़ी के अंदर यहाँ पर जब सर्च किया गया, तो यहाँ पर जो पेंटिंग की गई उसमें बेसिकली इंडिया में जो जितनी भी आपको रॉक पेंटिंग्स मिलेगी, उनमें आपको रेड कलर जो बेसिकली गेरुआ वगैरह से, जो गेरू वगैरह है उससे बनाया जाता था, व्हाइट कलर जो है जनरली सैंडस्टोन से बनाया जाता था, या ब्लैक कलर कोयला अगर मिल जाता तो ठीक है, या डार्क ब्राउन कलर जो है, इसका भी उपयोग यहाँ पे रामपुर भातुड़ी के अंदर आपका किया गया है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट साइट आपके बैतूल में है, धुनीका, धुधुफाक, देन ढूढ़ा आम, साकलीटी है, और आपका रामपुर भातोड़ी। उसके बाद दूसरी साइट्स हैं भोपाल के अंदर, भोपाल जिले के अंदर कई सारी साइट्स आपको मिली। वैसे भोपाल जिला बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन भोपाल के आसपास जो है, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, इन एरिया के अंदर कई सारे एंशियंट पीरियड की कई सारी इस प्रकार की केव्स मिली है, जिसमें बेरागढ़ के अंदर एक केव मिली है, जिसको वी एस वाकड़कर जो है, जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट ने मध्य प्रदेश के, इवन भारत के, उन्होंने सर्च किया है, और इसके अंदर व्हाइट और रेड कलर, सफेद और लाल दोनों प्रकार के रंगों का उपयोग किया गया है। उसके बाद एक हलुमाता करके एक जगह है भोपाल के पास में, यहाँ पर जो जो आपको रॉक शेल्टर मिला है, इसमें बेसिकली ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है ना, ये थोड़ा सा मॉडर्न, थोड़ा सा बाद के समय के अंदर इसको बनाया गया होगा, तो आपका हलू माता है जहां पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिलती है। उसके बाद एक और प्लेस है, उसका नाम है कोठा करार, ठीक है,
इसके अंदर भी इस प्रकार से कुछ पेंटिंग्स वगैरह मिलती हैं, जहां पर इंपॉर्टेंट था वहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। एक साइट का नाम है पिपलिया जुन्नार देव, आपको नाम बड़े याद रखना है, एग्जाम में कई बार नाम आ सकता है कि आपका हलु माता कहाँ पर है या गुफा मंदिर कहाँ पर है, तो ऐसे कई बार रॉक शेल्टर्स के जो नाम है उनके नाम आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो पिपलिया जुन्नार देव के अंदर लोकेटेड है, पर एक और जो साइट है वो गुफा मंदिर है, भोपाल के अंदर एक फेमस मंदिर है गुफा मंदिर महादेव जी का, तो वहां पर ये कई सारी पेंटिंग्स वगैरह मिल जाएंगी। उसके बाद मनुभावन टेकरी है जिसको निजाम टेकरी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस मनुभावन टेकरी पे 22 रॉक शेल्टर्स यहाँ पे मिले हैं, और यहाँ पर स्पेशली एक शंख स्क्रिप्ट मिली, शंख लिपि मिली है जो उस समय की लिपियों के अंदर से एक थी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक लटका हुआ मानव है ना, अपराइट ह्यूमन फिगर, या एक उल्टा लटका हुआ एक ह्यूमन फिगर दिखता है, तो इससे ये मान सकते हैं कि हो सकता है कुछ कर्तव्य वगैरह दिखाया वहां पर आपको दिखा रहा हो या किसी और चीज को इंडिकेट कर रहा, लेकिन जनरली जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये माना कि कर्तव्य वगैरह दिखा रहा है, उसका कोई सीन वहां पर आपको हो सकता है। तो मनुभावन टेकरी है, उसके बाद आपका बूढ़ा खो है ना, एंड एक और जो साइट है इट्स कॉल्ड द राजबंडा हिल है, उस हिल के ऊपर एक दिगदिगा हिल है, उसके बाद आपका शहद कराड़ ग्रुप कई सारी अलग अलग पेंटिंग्स बनी है, फिर भदभदा पेंटिंग्स हैं, भदभदा आप जानती हो अगर भोपाल के होंगे तो, भदभदा में कई सारी इस प्रकार की पेंटिंग्स आपके तालाब और नदी के किनारे बनी है, फिर श्यामला हिल है, तो श्यामला हिल में भोपाल के अंदर जो भारत भवन है, भारत भवन से लेकर सीएम हाउस तक जो रॉक्स वगैरह हैं उन रॉक्स में इस प्रकार की कई सारी चीजें मिली हैं। कंस्ट्रक्शन वगैरह होने के कारण इनमें से कई सारी जो साइट्स थी वो नष्ट हो गई, उसके बाद कई सारी जो रॉक शेल्टर्स हैं वो अभी जो बड़ा तालाब है उसके किनारे बनी हुई है, जो पानी के फ्लो के कारण या बड़ा तालाब का जो पानी है वो टकराने के कारण कई सारी साइट्स आपको नष्ट हो गई है। फिर धर्मपुरी हिल है, और उसके बाद आपका लाल घाटी है, और लाल घाटी के आसपास भी ऐसे कई सारी पेंटिंग्स यहाँ पर आपको देखने को मिली है। तो ये कई सारी जो साइट्स हैं भोपाल के अंदर लोकेटेड है। एक और बड़ी फेमस साइट है भोपाल की, इट्स कॉल्ड द टीबी हॉस्पिटल, तो टीबी हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है, वहां पर भी इस प्रकार की कई सारी साइट्स आपको देखने को मिलती है। और ये जो सभी साइट्स थी टीबी बाशी है, उस समय के जीएसआई के ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके आपके रिसर्चर थे, उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने उसको यहाँ पर आपको सर्च किया था। अगला छिंदवाड़ा जिला है, और यहाँ की जो साइट्स है एपी खत्री नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने इनको सर्च करना शुरू किया। छिंदवाड़ा के जो इम्पोर्टेंट साइट है जिसके अंदर तामिया जो जहाँ पर बेगा जनजाति रहती है, फिर जामुन पानी, और उसके बाद मल बाबा, तीन इंपॉर्टेंट साइट है। साथ ही एक और साइट है इट्स कॉल्ड द परतापुर, और एक साइट है उसका नाम है गड़ागढ़। तो ये पांच इंपॉर्टेंट साइट्स छिंदवाड़ा में है, इनके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम सुने होना चाहिए, नाम ध्यान होना चाहिए। दमोह के अंदर दो इंपॉर्टेंट साइट है, एक पातर है और दूसरा आपका खांडसे है। दतिया के अंदर चार इंपॉर्टेंट साइट है, एक का नाम है बड़ोनी, देन परासरी, उसके बाद आपका इट्स कॉल्ड द धरवारा और फुलारा। तो ये चार इंपॉर्टेंट साइट जो है दतिया के अंदर लोकेटेड है, इनकी डिटेल में अगेन बोल रहा हूँ, जाने में इतना इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, नाम आपने सुने होना चाहिए। ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर के अंदर एक भाऊ साहब की समाधि है, और उस समाधि के आसपास के एरिया के अंदर कई सारी रॉक शेल्टर्स, कई सारे शिलाशय बने हैं। उसके बाद गुप्तेश्वर महादेव नाम की एक जगह है, गुप्तेश्वर इज अ प्लेस जहाँ पर भगवान शिव का एक मंदिर भी है, वहां पर कई सारी साइट्स हैं। फिर टिकला नाम की जगह है जहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट का उपयोग किया गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर एक धाम नाम का एक शब्द है, धाम नाम का एक वर्ड भी यहाँ पर आपको मिलता है। उसके बाद कंकाली माता टेम्पल है उसके आसपास की जगह पे, देन चुड़ैल छाज करके एक जगह है, तो माना जाता है कि यहाँ पे चुड़ैल छाज है। लोकल लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुछ चुड़ैल वगैरह रहती थी, उसने ये सब पेंटिंग्स वगैरह बाकी चीजें बनाई हैं। ऑब्वियस ही बात, ये सब चीजें सही नहीं है कि चुड़ैल वगैरह उनको बनाया, बट ठीक है, वो उस समय की स्टडी के हिसाब से लोगों का ये वहां पर आपका मानना है। उसके बाद एक और प्लेस है, इट्स कॉल्ड द देना गांव, और देना गांव के बाद एक और जगह है इट्स कॉल्ड द परा गांव। ये कुछ नाम आप याद रखिएगा। गुना के अंदर दुबोन नाम की एक साइट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में प्री में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि दुबोन साइट कहाँ पर है या टिकला साइट कहाँ पर है। अगला जिला है रायसेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनके हिसाब से, जहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट साइट यहाँ पे भीमबेटका है। भीमबेटका के ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि भीमबेटका सिर्फ दो लाइन के अंदर कंप्लीट नहीं हो सकता। यहाँ पर कई सारी तकरीबन 500 छोटी बड़ी आपको केव्स भीमबेटका के अंदर मिल जाएगी, और ये भारत के अंदर जो बहुत लिमिटेड ऐसी रॉक शेल्टर्स हैं जिनको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस दिया गया, तो इसको विश्व धरोहर स्थल दिया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वराह शेल्टर है, जहां पर एक नी डाउन मेन है या अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ एक व्यक्ति है और दोनों हाथ उसके ऊपर है, तो हो सकता है कुछ प्रार्थना वगैरह भगवान से कर रहा होगा, इस प्रकार की चीज है। फिर एक और यहाँ पर साइटेड स्कूल द जुराग,
और इसको चिड़ियाघर साइट भी बोला जाता है या चिड़ियाघर क्यों भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके कई सारे जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के फिगर मिलते हैं। एक और साइट यहाँ पर है भीमबेटका के अंदर ही, उसका नाम है लखज्वार, और यहाँ पर काउ हंटिंग या गाय के शिकार के बारे में एक इमेज बनी हुई है। ठीक है, उसके अलावा ह्यूमन फिगर्स हैं, इनको बेसिकली भीमबेटका जो है वो पैलोलिथिक पीरियड से लेके पैलोलिथिक पीरियड, नियोलिथिक, मीजोलिथिक पीरियड, उसके बाद कैल्कोलिथिक पीरियड, तो ऐसे अलग अलग साइट्स आपको भीमबेटका में मिलेगी। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा। फिर एक प्लेस रायसेन के अंदर सोथर है, जहां पर एक केमल की या ऊंट की इमेज यहाँ पर आपको देखने को मिली है। उसके बाद यहाँ पर एक डांसिंग सेरेमनी कुछ चल रही है कि लोग नृत्य वगैरह कर रहे हैं, इस प्रकार का कोई सीन बना हुआ है। फिर एक साइड है रायसेन के अंदर, इट्स कॉल्ड द पुटारी टोरिया, यहाँ पर पिकॉक हंटिंग या कुछ लोग आपके मोर का शिकार कर रहे हैं, वो इमेजेस हैं। साथ ही यहाँ पर एक कब का इमेज या जो नन्हा शावक है शेर के छोटे बच्चे की, कुछ इमेजेस यहाँ पे दिखती हैं। उसके बाद एक जगह यहाँ पर है, उसका नाम है रामछज्जा, देन जावरा। अब याद रखिएगा, ये जो जावरा है ये रतलाम वाला जावरा नहीं है, रायसेन के अंदर एक अलग जावरा है। फिर सतकुंडा है, जहां पर हम्प काऊ या आपके कुबड़ वाली गाय मिलती है। अब याद रखिएगा, कुबड़ वाली जो गाय है या कुबड़ वाली काऊ या बोल आप जो भी बोले, तो ये बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर काफी प्रेवलेंट था, काफी इंपॉर्टेंट था। खैर, इसका इंडस वैली से कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम्प जो बुल है या फिर इस प्रकार से हम्प जो काऊ है, वो इंडियन कल्चर के अंदर काफी लंबे समय तक यहाँ पर आपको अपना प्लेस रखती है। अगला जो जिला है ना रॉक शेल्टर्स के अंदर, मुरैना जिला है, वहां पर जो इंपॉर्टेंट है इट्स कॉल्ड धूमकुंड। उसके बाद रामजाखो नाम की एक जगह है, और उसके बाद एक जगह है उसका नाम है सियाका। तो धूपकुंड, रामजाखो और सियाका, ये तीन जगह मुरैना के अंदर है। उसके बाद नरसिंहपुर जिले के अंदर द प्लेस इज कॉल्ड द बिजोरी, जिसको सीबी त्रिवेदी ने सर्च किया था। ठीक है, उसके बाद एक जगह है उसका नाम है प्रेमसाही, देन इट्स कॉल्ड द समंदर राजा नाम की एक जगह है इसी के अंदर नरसिंहपुर जिले के अंदर, यहाँ पर युद्ध का एक सीन दिया गया है। और एक जगह है उसका नाम है पुटलीखो। ठीक है, उसके बाद रीवा के अंदर तीन इंपॉर्टेंट साइट है, द साइट इज कॉल्ड द गड्डी, देन इट्स कॉल्ड द इत्रपाद, इट्स कॉल्ड द इतर पहाड़, इतर पहाड़ के बाद एक साइट है उसका नाम है धमदाह। तो ये तीन इंपॉर्टेंट साइट आपके रीवा में है। रतलाम के अंदर एक ही साइट इंपॉर्टेंट है, इट्स कॉल्ड द खेड़िया पारा। राजगढ़ में आते हैं, तो राजगढ़ के अंदर दो इंपॉर्टेंट जगह पर साइट मिलती हैं। एक नरसिंहगढ़ के अंदर है, जहाँ पर 1500 रॉक शेल्टर्स मिलते हैं, और इसको आप सेकंड आपका भीमबेटका भी बोल सकते हैं। तो कई सारी ऐसी साइट्स यहाँ पे मिलती हैं नरसिंहगढ़ के अंदर, जिनके ऊपर रिसर्च अभी चल रहा है। और यहाँ पर एक बिना व्हील वाला, बिना पहियों वाला एक बैलगाड़ी या बुलक कार्ड यहाँ पे मिलती है। ठीक है, इट डजेंट मीन कि उस समय इंसान के पास पहिया नहीं था, अब कोई रीजन हो सकता है जिसके कारण उसके अंदर पहिया नहीं हो। फिर एक कोटरा है राजगढ़ के अंदर, पन्ना जिले के अंदर जो इम्पोर्टेंट साइट है, एक बृहस्पति कुंड है, उसके बाद एक इट्स कॉल्ड द बराज पांडवन नाम की एक जगह है, देन माझा पहाड़ करके जगह है। तो तीन इंपॉर्टेंट जगह आपके पन्ना के अंदर है। उसके बाद मंदसौर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे फेमस जो है वो आपका चतुर्भुज नाला है। जैसे मैंने आपको चतुर्भुज नाला के पहले जो नरसिंहगढ़ के अंदर ये जो साइट्स हैं आपके राजगढ़ वाली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से चतुर्भुज नाला जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा चतुर्भुज नाला में। तो यहाँ पर आपको एक मदर गॉडेस या मातृशक्ति की कुछ इमेजेस मिल जाएंगी, युद्ध के कुछ सीन मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर एक साइट है, इट्स कॉल्ड द मोदी। उसके बाद हिंगलाजगढ़ एक वन ऑफ द फेमस साइट है, जहाँ पर हिंगलाजगढ़ माता का मंदिर भी है, और इसको भी वीएस वाकणकर ने सर्च किया था। देन भानपुरा, और भानपुरा के बाद आपका रामपुरा। तो इन सभी साइट्स के अंदर आपको कई सारी रॉक शेल्टर्स मिल जाएंगे। उसके बाद जबलपुर के अंदर एक साइट है, उसका नाम है झिंझरी, इसको भी सीबी त्रिवेदी है, उन्होंने सीबी त्रिवेदी ने इसको सर्च किया है। कटनी के अंदर एक साइट है, जिसको वीएस वाकडकर ने सर्च किया, कटनी के अंदर ही इंपॉर्टेंट साइट है वो। ठीक है, उसके बाद खंडवा जिले के अंदर एक साइट है, उसका नाम है बीजागढ़, देन सेकेंड इज द चंडीगढ़, और तीसरा जो है वो घाटक है, घाटक। तो बीजागढ़, चंडीगढ़ और घाटक, ये तीन इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं वो आपके खंडवा जिले के अंदर है। फिर रीवा के अंदर जो तीन इंपॉर्टेंट साइट्स है, आई थिंक ये हो चुका है, ये रिपीट हो गया। उसके बाद विदिशा के अंदर जो साइट है, विदिशा जिले के अंदर, तो विदिशा में सबसे फेमस साइट है उदयगिरी। उदयगिरी के ऊपर एक अलग से मैं लेक्चर बनाऊंगा। यहाँ पर चंद्रगुप्त सेकंड के कुछ इंस्क्रिप्शन मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर एक जगह है, इट्स काम है अहमदपुर, वहां पर एक चुड़ेलिन पुल करके एक साइट मिली है, और इसको आप मान सकते हो कि वही कि लोगों का मानना है कि चुड़ैल वगैरह के द्वारा उसको बनाया गया था। और एक जगह है उसका नाम है काबुलपुर। तो तीन इंपॉर्टेंट साइट आपको यहाँ पर उदयगिरी खुद है, उसके बाद आपका अहमदपुर है, और आपका कबलपुर है। शिवपुरी के अंदर इमलिया और बरका नाम की जगह है, दो इंपॉर्टेंट साइट है। सीहोर के अंदर सारो मारो की जो केव्स हैं, पान गुराड़िया के अंदर सारो मारो एक पुराने अशोक के समय के कई सारे स्तूप यहाँ पे हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये जो स्तूप हैं ये धीरे धीरे नष्ट हो गए, तो अशोकन इंस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलता है। उसके बाद बुद्ध के समय में कई सारी जो बुद्ध के जो इंस्क्रिप्शन है, बुद्ध के सिम्बॉल यहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि बुद्ध को जो मूर्ति पूजा बुद्ध की हुई, मतलब जब महायान नहीं आया था उसके पहले बुद्ध को
इनिशियल पीरियड के अंदर उसके जो उनके जो डिपिक्शन है या उनके जो संकेत है उन संकेतों से पूजा जाता था, जिसमें लोटस या कमल बड़ा इंपॉर्टेंट था, बोधी ट्री इज इंपॉर्टेंट, उसके बाद एक व्रत या फिर धम्म चक्र है उससे बुद्ध की पूजा की जाती, तो वही सब सिंबल जो है यहाँ पर आपको सारो मारो में देखने को मिलेंगे। फिर एक और साइट है सीहोर के अंदर, इट्स कॉल्ड द जोशीपुरा, शहडोल के अंदर द साइट इज कॉल्ड द चित्रवन, और सिलहारा, ये दो इंपॉर्टेंट साइट आपके शहडोल के अंदर है। तो ये कुछ साइट्स हुई या ये इंपॉर्टेंट साइट है, तकरीबन 30-40 साइट मैंने आपको नाम बताया, इनके नाम आप धीरे धीरे याद रखिएगा, ताकि अगर आप इनके नाम याद रखेंगे तो इट मे बी पॉसिबल कि एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन इसका आ जाता है तो इस क्वेश्चन को आप एग्जाम के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, और आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर इस प्रकार के और भी आप वीडियोज चाहते हैं शॉर्ट में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं कि इस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक हैं जो शॉर्ट में आप चाहते हैं, जिनको मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता सकूं। और मेरा कोड पवन लाइव आप जरूर याद करिएगा, जरूर इसको यूज कीजिएगा प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए। थैंक यू।